मनी मनी हाजी पापा। बेटे जब मैं ऐसे करके बोलूं तो तुम ऐसे आया करो, सारा खराब कर दिया तूने। अच्छा वीडियो बन रही है? हाँ जी हाँ जी। देखो कितना झूठा एक्टर है, पता है यहाँ पे, ये देखो कैमरे लगे हुए हैं और कह रहे वीडियो बन रही है। हर रोज बता दिया करो वीड़ियो बन रही है। बड़ा कमीना है, देखो वीडियो बन रही है तो पैरी पहना वैसे कभी किया तूने? नहीं नहीं पापा, वो बड़ा जरूरी है, लोगों को लगना चाहिए नहीं, नहीं कि हम कैमरे के पीछे भी इज्जत करते हैं पापा। नहीं 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 नहीं, कैमरे के पीछे भी करते हैं वैसे भी करते हैं, पाओ तो कुछ नहीं, मुझे तो बहुत प्यार है। खुश रहो सदा, बस यही रहो। पापा ने इनडायरेक्टली बताया कि तेरी जगह मेरे पैरों में है, तू मेरे बराबरी कैसे कर रहा है। अच्छा पापा पहले आप बताओ, माहौल बनाना है, शिखा को बुलाएं या साक्षी को बुलाएं? अगर माहौल बनाना है तो साक्षी को बुलाना पड़ेगा, वो तो माहौल खराब करेगी ना शिखा। साक्षी 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 साक्षी, चार आवाजें दी हैं तो आइए। पापा मैं पहली पे आ गई थी, आपने गैप ही नहीं डाला। और फिर कैसा लग रहा है आज, बड़े व्लॉग बना लिए आपने, आज मेरे साथ व्लॉग बनाओ। तो अभी हम, मुझे लगता है कि पहले शिखा को बुला लेना चाहिए क्योंकि गाने का माहौल भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, फिल्म में गाने नहीं हुए, गाने हिट होते तो फिल्म चलती है। हाँ। बुलाओ उसको। शिखा 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 शिखा, छह आवाजें दी है तो आइए तुम। बाकियों को चार, मुझे छह, पार्शलिटी है ये। तू सुनती कम है ना। तेरे को अगर वैसे बुलाना शेखा फिर आती है, क्योंकि इसका हर काम सुर में होता है। आप इतने सुर में हो तो मैं भी सुर में हूं। अरे भाई आपका प्यार है तो ये अब चल क्या रहा है? इसको सब पता है, इसी ने कैमरे फिट किए हैं। अपन यहाँ लगाते हैं कैमरा, एक इधर लगाते हैं, ये लगाते हैं, और पूरे एक्टर यहाँ चंके हैं। तो हमें जो बताया गया स्क्रिप्ट में, हमने तो वैसे ही बोलनी है ना, हम एक्टर अच्छे हैं। स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, सिर्फ यही व्लॉग होता पापा का जिसमें स्क्रिप्ट नहीं होती। आप तो चलो मैसेज कम पढ़ते, मैं सारे पढ़ता हूँ। लोगों के यही कमेंट आते हैं कि कहते सुदेश जी के व्लॉग विदाउट स्क्रिप्ट मतलब इतने बेहतर होते हैं, हमें हंस हंस के पेट में दर्द हो जाना। वो पता क्या है कि आप लोग प्यार करते हो, जब आप प्यार करते हो ना तो डिकंडे ही मिलो। अरे बुला रहा बिल्ला, खुद ही आ जा, मतलब गाना पूरा बोलना है, आई 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 मैं बोलूंगा आ जा, उसने नहीं कहना नहीं आ जा, खुद ही बोल दो आ जा। मैं पापा पहले पैरियां तो लगा लूं, उन्होंने कहा पापा को लगाया, मम्मा को लगाया ही नहीं। बहुत है, बुरा ना मानना, वीडियो बने इसीलिए लगाया। आज के बाद हमने सुबह उठ कर रोज व्लॉग बनाना है कैमरे लगा के इसके सामने, ताकि हमारे पैर हाथों लगाए। क्या बात है। तो हमारी फैमिली में बहुत प्यार है और बहुत केयरिंग है, एक बंदे को तकलीफ होती है तो दूसरा भाग जाता है डॉक्टर के पास तो बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में दो बार शुरुआत खराब की है, मुझे बच्चे चाहिए थे दो। हाँ। शुरुआत में ये आया। पापा शिखा तुम बताओ कि तुम्हें सिंगर बनने का शौक कैसे पड़ा और तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सिंगर हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि पापा शिखा को कुछ नहीं पता। अच्छा पापा का सबको पता है, तू बता। आप सबको पता है पापा बहुत अच्छा गाते हैं और पापा भी बचपन से ही गाते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर शौक कैसे पैदा होगा, क्योंकि पापा घर पे गाते थे, हम डुइट वगैरह भी गाने गाते थे, आपको पता है ना। बिल्कुल। चप्पनी चुपानी लेके डूब मर, तो ऐसे गाते 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 बहम पड़ गया तुझे कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। पापा ने भी मतलब काफी सपोर्ट किया। पापा, और आप तो बड़े थे, आपने इसका बहम तब क्यों नहीं निकाला? अब गुजरे हो ना। भैया मैंने तो शुरू में कहा चप्पनी से पानी लेके डूब, अब उसको समय हम क्या कर रहे हैं, इसको समय नहीं है। अभी शिखा बड़ी होगी, चपड़ी छोटी होगी। चपड़ी टूट जाएगी। क्या टाइमिंग, मुझे यहाँ पे चुप रहना चाहिए। तुम्हें हर जगह चुप रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं पापा जाऊँ उठ के? हमें हंसने वाला भी तो चाहिए। मुझे सपोर्ट मिल रही है अभी भी। नहीं, हमारा फ्रेम अच्छा बन रहा है। तो अब मनी तू बता कि तुम्हें कॉमेडी का शौक कैसे पड़ा? मुझे कॉमेडी का शौक तभी पड़ गया जब मैं आपके घर पैदा हुआ। वाह वाह। एक्चुअली क्या है कि इसका बचपन में जन्म हो गया था, माँ इसकी लेडीज थी, बाप इसका मैं था, तो कॉमेडी तो होनी थी। लेकिन इसको देखकर लोग बहुत हंसे, हमें उसी वक्त पता चला कि कॉमेडी हुई है हमारे घर पे, तो बहुत मजा आया। लेकिन ये शुरू में क्या होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो शक्लें बाद में बदल जाती हैं,
जब पैदा हुआ था तब बड़ा ऐसे था, उसके बाद बदले क्यों नहीं? साक्षी तू बता, तुम्हें इसके साथ शादी का शौक कैसे पड़ा? नहीं नहीं, मतलब तुम्हें इसमें क्या दिखा जो तुमने शादी कर ली? मुझे ब्यूटी के अलावा, ब्यूटी के अलावा जो चीज है ही नहीं उसकी बात नहीं। वैसे मैंने सवाल उससे कहा था। मैं मुझे लगा पता नहीं कुछ ऊंट पटांग ना बोल दे, अपने आप को कवर करना खुद की। अरे नहीं बोलती, जब ऊंट पटांग साथ में है तो उसकी बात थोड़ी करेगी। तो अब बारी है बिल्लो की। बिल्लो इनसे हम पूछेंगे, आपने पापा में क्या देखा जो शादी कर ली? मैं पानी पिया पापा बताओ। मम्मा मैंने क्यूटपन देखा। देख इसको कहते हैं, तूने बोला शरीफ देखा। शरीफ, शरीर देखा, शरीर पतले से। अभी भाई नहीं, क्या देखा मेरा? शरीफ। अच्छा अच्छा, शरीफ देखा। पोलापन, पोलापन देखा, पोलापन। अच्छा बस मन मन क्या कहते हैं उसको, फूल देख लो। नहीं नहीं, किसी ने सच बोला है, झूठ बोलते बोलते जुबान थथलाती है। नहीं पहले तुम्हारे जुबान थथलाती है बेटे। हाँ जी, मैं जो बोल रही सच बोल रही हूँ, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोल कुछ रही। नहीं, बोल नहीं जो ये बोल रही है, जब भी ये मेरी तारीफ हो तो मैं तो उसको सच ही मानूंगा। ये भी बात सही है। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ दोस्तों कि ऐसी वाइफ, इतनी मतलब केयरिंग, इस प्यार, मतलब जो ये है वो ही है, ये इसके दो रूप नहीं है। प्यार मतलब करती है दिल से, फैमिली से, मुझे, बच्चों से, आप लोगों से इतना प्यार करती है। जब आपके कोई मैसेज आते हैं तो इसको होता है हे कौन है, कितना चंगा है, ऐसे करके ये करती है, तो बहुत अच्छी है। मम्मा अब होगी आपकी तारीफ, अब आप वो बोल दो जो मन में है आपके पापा के लिए। सच्चाई तो आपने इसलिए बोला ना कि मुझे बोलापन लगा, जो है मैंने वो ही बोला है। वैसे कैमरे बंद है, जो बोलना है जो है सच है, चल रहे हैं। पापा ने लाइफ में बहुत सारी खुशियां देखी, पर मुझे जहां तक लगता है आप 23 नवंबर को सबसे ज्यादा खुश हुए थे लाइफ में। नहीं उसमें तो दुखी हुआ था, हमारे घर पे कैसा गिफ्ट आया था जिसको आज तक हम ठीक नहीं करा पाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं, कहते फॉरेन कंट्री भेजना पड़ेगा इसका दिमाग ठीक कराने। ये आया था 23 नवंबर को। और 26 अगस्त के बारे में क्या ख्याल है जी? और 26 अगस्त के बारे में क्या ख्याल है? 26 अगस्त को तो बहुत खुश हुआ था क्योंकि 26 अगस्त को मेरा शो था, वहां पे आइसक्रीम खाई थी। ये आई थी 26 अगस्त को, बहुत खुश हुआ था मैं तो, बहुत खुश था और दिल से बोल रहा हूँ। और अब 27 अक्टूबर को हमारे पापा आ रहे हैं धरती पर। अरे पापा का बर्थडे आ रहा है बहुत जल्दी। थैंक यू आपके लिए एडवांस। आप लोग हर बर्थडे को मुझे बड़े मैसेज भेजते हो, इतना आपका प्यार चाहिए। और कई लोग बड़ा बोलते हैं क्या भेजे क्या नहीं, आप सब। और पापा ने हमें बोला है कि आप मुझे गिफ्ट देना, गिफ्ट चाहे जो मर्जी देना, दिल से देना, मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगा आईफोन। सच? हाँ। अच्छा मैंने देना है? हाँ जी। कमीना चल। नहीं चलो गाना सुनाओ जरा। हैं? मेरे दिल को छू जाए, छू जाए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अब मजा लेना है। हाँ। ये गाना देखो पंजाबी में बोलूंगा तो मजा आएगा। हाँ। ओ तू मिली दिल खिड़िया होर जीननू की चाहिदा। हाँ, हाँ, हाँ। ना हो तू उदास तेरे कोल कोल मैं रवांगा जिंदगी पर, ओ सारी दुनिया दा प्यार मैं तो तेरे विचों पाया। तू मिली दिल खिड़िया। हाँ, पंजाबी का तो अपना मजा है। तो चलो दोस्तों, अगर आप हमारी मम्मा की और बोली भाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे चैनल पे आते हैं। तो मिलते हैं हमारे ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। मेरा सुदेश लहरी, सुदेश लहरी।